महिलाओं का ये गीत था। ऐसे अभी कई गीत और सुनाएगी चंदन। झूमर को कैसे बदला गया था, सोहर को कैसे बदला गया था, और बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत सारे गीतों को बदला चंपारण की महिलाओं ने। गांधी गीत का ये सिलसिला गांधी जी नाम से कर रही है चंदन, ये जारी रहेगा। इस बीच में जिस विषय पे है और ये जो समय है उसमें एक बार एक गीत कबीर का सुन लेते हैं, उसके बाद फिर से एक बार गांधी गीत को सुनेंगे। जब लोकगीत खास करके भोजपुरी गीतों की बारी आती है तो कबीर से शुरुआत भी होती है कई जगहों पर, और बहुत मौजू भी है, कौन ठगवा नगरिया लूटन हो। ये चंदन एक बार सुनाएंगे, इसके बाद फिर से हम लोग गांधी गीत सुनेंगे। बहुत सारे गीत है, कैलाश गौतम के गीत है, चंपारण के महिलाओं के गीत है, और ढेर सारे गीत है। तो अभी एक कबीर का सुनते हैं, बीच में फिर से गांधी गीत में आते हैं। एक बात कहना चाह रही थी कि पटना तो अपना शहर है ही, यहाँ के लोग भी हैं, और बहुत ऐसे लोग हैं वो उनको मैं जानती हूँ, ऐसे तो सभी लोग यहाँ पे हैं, परिचित ही आप सभी हैं। एक और होगा वहाँ पे, मैं निर्गुण सुनाती हूँ आपको कबीर का। कौन ठगवा नगरिया लू
गांधी की सुनते हैं और फिर दूसरे गीत सुनेंगे। कैलाश गौतम अविनाश भाई सामने बैठे हुए हैं। सबसे पहले वो गीत ना जाने कितने सालों से वो उठाते रहे हैं, गांधी जी गीत।
कैलाश गौतम के कई गीत बहुत मशहूर है, गंगा गीत तो उनका सबसे सबसे दमदार कह सकते हैं। गंगा की क्या बात करूं, गंगा उदास है, वह जूझ रही खुद से और बदहवास है, गंगा जली को जल नहीं गंगा के पास है। कचहरी कविता तो बहुत मशहूर है, भले जैसे तैसे गृहस्थी चलाना, भले डांट घर में तू बीबी की खाना, मगर मेरे बेटे कचहरी न जाना, कचहरी हमारी तुम्हारी नहीं है, कहीं से कोई रिश्तेदारी नहीं है। तो बहुत सारे गीत लिखे, एक मशहूर गीत है गांधी जी, कैलाश गौतम का गांधी जी की कभी चंदन सुनाएगी, और उसके बाद फिर थोड़ा हम लोग भिखारी ठाकुर का भी सुनेंगे एक गीत, बिजेंद्र अनिल का एक गीत सुनेंगे, विनय राय बाबूरंगे का गीत सुनेंगे, अभी कैलाश गौतम का एक गीत सुनते हैं गांधी जी। महल अटारी बाल इनके आगे भकुआ जैसे
हरसा और खुदारी वाल तिहले खून पसीना तिहल तबो बहिन मतारी वाले। अरे तोहरे नाव बिकत हो सगरो मास बिकत हो गांधी जी। अरे तोहरे नाव बिकत हो सगरो मास बिकत हो गांधी जी। तोहरे नाव बिकत हो सगरो मास बिकत हो गांधी जी। ताली पीट रहल हो दुनिया खूब हसत हो गांधी जी। ताली पीट रहल हो दुनिया खूब हसत हो गांधी जी। जयंती बापू नेता पदे निशाना हो पिछला साल हवाला वाला अगला साल बहाना हो। आजादी के माने खाली राजघाट तक जाना हो। साल भरे में एक बेर बस रघुपति राघव गाना हो। अरे करिया अक्षर भैंस बराबर हो गांधी जी। अरे करिया अक्षर भैंस बराबर वेद लिखत हो गांधी जी। करिया अक्षर भैंस बराबर वेद लिखत हो गांधी जी। अरे करिया अक्षर भैंस बराबर वेद लिखत हो गांधी जी। एक समय का बांगड़ बिल्ला आज भगत हो गांधी जी। एक समय का बांगड़ बिल्ला आज भगत हो गांधी जी। सिर फुटत हो गला कटत हो लहू बहत हो गांधी जी। सिर फुटत हो गला कटत हो लहू बहत हो गांधी जी। अरे देश बटत हो जैसे और गांधी गीत सुनेंगे। लेकिन चूंकि ये जो आयोजन हो रहा है ये पटना के नागरिकों की ओर से आयोजन है और अभी जो साल चल रहा है बिहार के एक बड़ी हस्ती संगीत में चित्रगुप्त का जन्म शताब्दी वर्ष है यह। और चित्रगुप्त जिन्होंने बिहार को पहचान इसी पटना कॉलेज में यहाँ पटना में प्रोफेसर थे और बिहारी संगीत को जा करके जब तक वो रहे तब तक आप सब लोग जानते होंगे कि कोई चोटी का कलाकार ऐसा बॉलीवुड का नहीं जो बिहारी गीत नहीं गाता था भोजपुरी गीत नहीं गाता था। तो शैलेंद्र ने लिखा था और चित्रगुप्त संगीत दिए थे और उनका जन्म शताब्दी वर्ष है तो कहीं बिहार में श्रद्धांजलि तो दी नहीं जा रही, याद तो किया नहीं जा रहा, तो इस मंच का उपयोग करते हैं और चित्रगुप्त को छोटा सा याद करते हैं। जो पहली फिल्म बनी थी भोजपुरी में, हे गंगा मैया तो हे पीली चढ़ी वो, थोड़ा सुनते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद फिर से हम गांधी गीत सुनेंगे, जनगीत सुनेंगे, भिखारी ठाकुर को सुनेंगे, महेंद्र मिश्र को सुनेंगे और भी गीत सुनेंगे। तो एक बार चित्रगुप्त को श्रद्धांजलि देते हैं नागरिकों के इस मंच का उपयोग करते हुए। Thank you.
और गांधी और गंगा का जुड़ा हुआ एक प्रसंग भी है। आज नेहरू जी को भी याद कर रहे हैं, तो इलाहाबाद में जब गांधी जी थे और वो सुबह सुबह वहीं गंगा किनारे थे, सब लोग बैठे हुए थे, तो बात करते करते एक लोटा पानी वो गिरा दिए और कुछ काम भी नहीं कर सके, चेहरा वेहरा भी नहीं धो सके, ऐसे ही हाथ में लेते हुए। तो बहुत अफसोस करने लगे कि ऐसे ही पानी बर्बाद कर दिए, तुम लोग से बात के चक्कर में रह गए। तो नेहरू जी ने कहा कि इतना परेशान क्यों है, सामने गंगा किनारे है।
तो फिर 15 मिनट तक उसी पर बोलते रह गए गांधी जी कि ये गंगा हमारे लिए नहीं बहती है कि जितना चाहे उतना अनावश्यक निकालते रह गए। तो हमने गंगा को भी याद किया। आगे विजेंद्र अनिल एक बड़े मशहूर गीतकार हुए बिहार के, बक्सर के रहने वाले विजेंद्र अनिल जी कई गीत लिखे। जब पंचायत चुनाव तब होते थे, पिया तू मुखिया बन जा, आइल बा वोट के जमाना हो, पिया मुखिया बन जा। विजेंद्र अनिल का एक बड़ी मशहूर गीत हुआ जनगीत, केकरा से करी अरजिया हो सगरे बटमार। चंदन अभी उस गीत को सुनाएंगी। उसके बाद अभी तुरंत जन्म शताब्दी वर्ष बिस्मिल्ला खान साहब का खत्म हुआ है। अभी से दुर्भाग्य तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने बिहार ने उन्हें याद नहीं किया। बिहार उन्हें सिर्फ कहता है कि हमारे थे, बिहार के थे। जो मुरारी जी अभी बांसुरी बजा रहे थे, वो जिस गांव के हैं, पंजवार के, सिवान के रहने वाले, बिस्मिल्ला के नाम पे एक प्रतीक के तौर पे वही बिस्मिल्ला खान संगीत महाविद्यालय आपको दिखेगा। शारदा जी अभी इस साल गई थी वहां पर, एक उसका फिर से पुनरुद्धार कार्य शुरू हुआ है। हम लोग बिस्मिल्ला साहब को भी इसके बाद याद करेंगे। विजेंद्र अनिल जी जो अब इस दुनिया में नहीं है और जन गीतों के लिए बड़े मशहूर थे, उनका एक गीत सुनते हैं। और जो आज का विषय है, जो कल भी सेमिनार चलने वाला है, गांधी को यहाँ बहुत खुले तौर पे हम याद कर रहे हैं, तो केकरा से करी अरजिया हो सगरे पटमार, एक गीत सुनते हैं हम लोग। सगरे बाट मार, सगरे बाट मार, सगरे बाट मार, किकरा से करी अरजिया हो, सगरे बाट मार, किकरा से करी अरजिया हो, सगरे बाट मार, किकरा से करी अरजिया हो, सगरे बाट मार, 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 किकरा से करी अरजिया हो, सगरे बाट मार।
आगे हम विनय राय बाबूरंगी को सुनेंगे माई रे माई बिहाग हुई कहिया। उसके पहले जब चित्रगुप्त साहब को हम लोगों ने याद किया है तो बिस्मिल्ला साहब का जन्म शताब्दी वर्ष अभी अभी गुजरा है और हमारे बिहार के क्या वो देश के दुनिया के प्राइड थे। वो हमेशा कहा करते थे कि सबको सुर समझा दो, संगीत समझा दो, कला समझा दो, ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है। जो जो कलानुमुखी होगा, जो सुरों के सुरों को समझेगा, कम से कम वो उन्मादी नहीं हो सकता, वो बहुत मतलब उन्माद में नहीं आ सकता। बिस्मिल्ला खान साहब ने कई गीत कंपोज किए थे और शोमा घोष जो उनकी दत्तक पुत्री है, जो बड़ी मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट थी, वो एक दफा जब उनसे मिलने आई तो उनकी बेटी ही होकर के रह गई और बड़ी बड़ी मशहूर गायिका है। शोमा घोष जी के लिए उन्होंने दो सुंदर वेश्या के गीत कंपोज किए थे। सुंदर वेश्या जो थी मिर्जापुर की रहने वाली और अद्भुत अपने समय की अद्भुत गीतकार, मिसिर एक थे और एक सुंदर वेश्या, दोनों के बीच में सवाल जवाब होता था। और जो गीत उन्होंने रचे आपने सुने होंगे, पिया मेहंदी मंगादा मोती झील से, इसका कंपोजिशन बिस्मिल्ला खान साहब ने तैयार किया था। मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला पदमू, ये सुंदर वेश्या का गीत है। इतना आंख ना देखा तनी धीरे बतिया, ये सब सुंदर वेश्या के गीत है। हम नहीं जानते उन्हें, बिस्मिल्ला खान साहब ने उनके गीतों को कंपोज किया था अपनी पुत्री शोमा घोष के लिए। हम उन्हें याद करते हैं उनके जन्म शताब्दी वर्ष में अभी जो गुजरा है। एक कजरी से पिया मेहंदी मंगा दा, उसका एक छोटा सा हिस्सा सुनते हैं। पिया मेहंदी मंगा दा मोती झील से जाके साइकिल से ना, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं दूसरे गीतों की ओर। कि पिया मेहंदी लिया ता मोती झील से जाके साइकिल से, पिया मेहंदी लिया दा लिया दाना, हो पिया मेहंदी लिया दा मोती झील से जक साइकिल से ना, हो पिया मेहंदी लिया दा मोती झील से जक साइकिल से ना, पिया
याद किए एक गीत का हिस्सा सुनते हैं विनय राय बाबू रंगी का। बड़ी अद्भुत प्रसंग है, अभी 5 महीने पहले जब चंदन गाजीपुर गई, यह गीत चंदन को मिला था विनाश भाई से, उन्होंने अपने फेसबुक पर लगाया था माई रे माई बिहान हुई कहिया, तो ये मान लिया गया कि विनय राय बाबू रंगी दुनिया में नहीं है। कई लोगों ने पोस्ट भी लिख दिया और अविनाश भाई ने भी लिखा कि वो थे और लिखते थे और गाते थे। जब ये गई गाजीपुर, अभी लोक रत्न सम्मान इनको मिल रहा था, संजोग से मैं साथ में था, 5 महीना पहले की बात है, तो एक बुजुर्ग आदमी पहले से आकर के बैठा हुआ वहां पर, और भोजपुरी व्यक्ति हम ही से संजोग से पूछे कि चंदन आई बड़ी खने बड़ी, हम बोला तू गीतवा हमारा आधा न गई ने बड़ी, हम किताब लेके आई बड़ी,
हम पानी पे तो ये बड़े मतलब बहुत पूरे यात्रा का इनकार उनके बारे में ये था कि नहीं है, वो किताब लेकर के आए थे कि तो आधा कहीं पढ़ू तो तेरी पूरा गा दिया, फिर से हई कुल गुरुवा गीतवा भी गा दिया। विनय राय बाबूराम का बहुत ही बढ़िया गीत है, माई रे माई बिहान होई कहिया, भेड़ियन से खाली सिवान होई कहिया। ये गीत सुनते हैं हम लोग विनय राय बाबूराम का, उसके बाद विश्वनाथ सहदा का भी गीत सुनेंगे और भी गीत सुनेंगे, अभी तो फिलहाल विनय राय बाबूराम का एक गीत सुनते हैं। Hey,
गाने गाए बाबूराम का गीत सुन रहे थे। एक गीत चूंकि चंपारण पर गांधी पर यह आयोजन है सुनते हैं, और इसके बाद एक बुद्ध का प्रसंग का गीत हम लोग सुनेंगे जो पहली बार चंदन यहाँ गाएंगी। आप एक बार तो पहले साजिंदे कलाकारों के लिए विशेष ताली बजाइए। क्यों बजाए मैं बताऊंगा, ये बिना किसी रियाज के इसमें जो पवन बैंजो पर है तो ये तो चंदन के साथ पूर्विया तार बजाते रहे हैं, बाकी और साथी जो कलाकार हैं वो अब तक कभी और कितना बढ़िया बजा रहे हैं, क्यों बजा रहे हैं, क्यों आए हैं आज, ये मैं कहानी बाद में बताऊंगा। एक बात भी चल रही है कि बिहार में इतने आयोजन हो रहे हैं तो चंपारण भी, चंपारण पर बात नहीं हो रही है, किसानों पर बात नहीं हो रही। विश्वनाथ सहदा एक बिहार के बड़े मशहूर गीतकार हुए, बाबू विश्वनाथ सहदा, उनके कई गीत बहुत मशहूर हुए। उन्होंने गीत लिखे थे बतावा चांद केकरा से कहां मिले जाला, शारदा जी गाई थी, बाकी कई लोग भरत सिंह भारती गाते थे उस गीत को। उनका एक गीत है रहनी करत दूध के कुल्ला छील के खात रही रसगुल्ला, लेकिन उनका एक गीत है किसान पर, आजादी के तुरंत बाद उन्होंने गीत लिखा, उसका एक हिस्सा चंदन सुनाएगी, पूरा गीत तो नहीं। कि भैया दुनिया कायम्बा किसान से, तुलसी बाबा के रामायण में बाचा, पूछो न पंडित महान से। किसान का एक गीत, चूंकि ये चंपारण का आयोजन है, किसानों का आयोजन है, हम बात कर रहे हैं, बाबू विश्वनाथ सहजा का किसान गीत सुनते हैं। गरीब किसान आज भूखे मरते पा
पूरा प्रसंग वाला गीत सुनते हैं, उसके बाद पूर्वी सुनेंगे हम लोग, महेंद्र मिश्र का, भिखारी ठाकुर का, एक दादरा भी सुनेंगे। लेकिन एक प्रसंग है, चंदन कोशिश कर रही है अभी ये बुद्धा पे काम करना शुरू की है, गांधी और बुद्ध पे काम कर रही है, बुद्ध के जो लोक गीत है उन्हें अभी तलाश रही है, लेकिन ये कह रही है कि पटना में हम गाएंगे तीनों की तीन गीत मिला करके, दो तीन गीत मिला करके हैं वो दोनों तीनों गीत आप सुनेंगे। प्रसंग वही है कि जब बुद्ध छोड़ते हैं यशोधरा को और जाते हैं, जो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, उसी को कड़ी में जोड़ करके एक कोशिश कर रही है चंदन यशोधरा की जो बात है, और वो अंतिम में एकदम ठेठ भोजपुरी तक आएगा, मैथिली शरण गुप्त से शुरू होकर के और ठेठ भोजपुरी गीत किरात सुतले से दरिया पर छोड़ गई लेना। मैं कोशिश कर रही हूँ गाने की, अगर इसमें कोई चूक हो जाए तो मैं माफी चाहूंगी आप सबों से। सिद्धि है तू स्वामी
लोकगीत में अगर हम आते हैं तो कुछ इस तरह से इसे पूर्वी सुनते हैं महेंद्र मिश्र का अंगूरी में डसले बिया नगिनिया सुनवाते हैं। तो महेंद्र मिश्र भिखारी ठाकुर को इसलिए हम जरूर मंच पर सुनते हैं चूंकि और बाद में विंध्यवासिनी की उस कड़ी में जरूर याद करना चाहिए हमें कि औरत को जितनी आजादी इन लोगों ने दी, लोकगीत लोक भाषा स्त्रियां रचती हैं उसे अपने स्तर तक, जैसे आप देख रहे हैं कि चंपारण का गीत आज आप सुन रहे हैं जो सिर्फ लोक स्मृति में है। तो महेंद्र और भिखारी जैसे कई यहाँ नायक हुए हमारे यहाँ जिन्होंने अपने 80% अपनी 80% रचनाएं स्त्रियों को समर्पित कर दी और उनके गीतों को जो आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल स्त्री बन गए होंगे लिखते समय वो, चाहे आप अगर भिखारी का बारहमासा सुन रहे हो, चाहे महेंद्र मिश्र का कोई पूर्वी सुन रहे हो, कोई साधारण काम नहीं कर रहे थे और खास करके भोजपुरी भाषा में वो कर रहे थे। तो आप समझिए कि भोजपुरी तो एकदम बंद गली वाला मामला था,
स्त्रियों के लिए बंद गली वाला मामला था और आज के 70 साल पहले वो स्त्रियों के लिए ही गीत रच रहे थे। तो बहुत बहुत भूमिका रही है बिहार के समाज में, बिहार के समाज में उनकी बड़ी भूमिका रही है और उसका एक्सटेंशन हमारे मतलब बिहार में एक बड़ी गायिका हुई विंध्यवासिनी देवी। उन्हें हमें हर मंच से लोक संगीत का कोई मंच हो विंध्यवासिनी देवी को खास तौर पे हमें याद करना चाहिए, क्योंकि लड़कियों को ये आजादी नहीं थी। आज चंदन जैसी अगर 100 लड़कियां बिहार में गा रही हैं, जा रही हैं और कहीं भी जा रही हैं सुदूर गांवों में और मान सम्मान पा रही हैं और एकदम से जा करके गा करके आ रही हैं, तो इसमें सबसे बड़ी लकी विंध्यवासिनी की थी। हमारे यहाँ जो एक मिथ था, एक जड़ता थी, उसे तोड़ी। हम एक सुनते हैं अंगूरी में डसले पिया नगिनिया, ये महेंद्र मिश्र का पूर्वी है। उसके बाद फिर और गीत सुनेंगे हम लोग, फिलहाल यही पूर्वी एक सुनते हैं। Thank you.
देवेंद्र जी से कपूर जी सुन रहे थे, बड़ी सुंदर बात यह है कि आयोजन के बाद गरम बढ़िया खाना भी बन के आ गया है और एक खतरा है बढ़ते जा रहा है कि कहीं ठंडा ना हो जाए, तो इसलिए हम लोग कार्यक्रम समेटेंगे। कुछ लोगों का ये कहना है और कई कई फरमाइश आ गए हैं, कुछ और गीत चंद्र को मगही भी सुनाने थे लेकिन फरमाइश भी कुछ आ गए हैं और खाना ठंडा होने का खतरा अलग है, तो हम लोग भिखारी ठाकुर का एक गीत की ओर बढ़ते हैं। भिखारी ठाकुर में एक फरमाइश भी आई है, उसका एक छोटा सा हिस्सा सुनाए। भिखारी ठाकुर का एक गीत है पिया गईले कलकत्ता वाले सजनी, वो सुनाए चंदन। उसके बाद एक गीत की फरमाइश तो आई है कि बटोहिया का कुछ तो हिस्सा सुनवा दीजिए, गांधी जी का आयोजन हो रहा है तो बटोहिया से। तो ऐसे पहले से तय भी था कि हम कार्यक्रम को जब विराम देंगे तो बटोहिया से ही विराम देंगे, ये सबसे समापन में था पहले से तय। ये विजय कुमार सिंह जी की फरमाइश आई है, एक फरमाइश आई है कि चंदन जो गाती हैं राधा रसिया एक सीरीज बनाई है कृष्ण राधा के, महेंद्र मिश्र का बहुत मशहूर गीत है कोई गोदवाला हो गोदनवा, कई फरमाइशें हैं लेकिन फिलहाल जो है पिया गईले कलकत्ता का है आप सुनाए। और एक जो हर आयोजन में गाती है चंदन, कई गीत ऐसे जैसे जो अभी गा रही थी अंगूरी में डसले दिया नगीनिया, ये लगभग गीत है, लगभग जो गायक कलाकार आते हैं वो गाते हैं। गंगा वाला गीत एक गीत अभी पिया गईले कलकत्ता, कौन सा? गंगा वाला, गंगा वाला, गंगा का भी एक गीत का हिस्सा सुनाएंगी। तो अभी आप छोटा सा हिस्सा उसका सुनाए भिखारी ठाकुर का, और आपको भिखारी ठाकुर का एक और गीत साथ में ही सुना देंगी कि कैसे वो इसलिए सुनेंगे चलनी के चारा दुल्हा, वो इसलिए सुनेंगे कि बहुत गांव का गीत था वो, लेकिन फिर है कि वो जो लोक भाषा स्त्रियां रचती हैं खेत से खलिहान से चौका से चूल्हा से, उसे बहुत विस्तारित करने का काम पुरुष को करना होता है और बिहार ने काम किया, कई नायक को खड़ा किया जो स्त्री बन करके उनके गीतों को सार्वजनिक मंचों से देश भर में फैलाते रहे। भिखारी ने तो ये काम बहुत ज्यादा किया था, चलनी के चारा दूल्हा जब वो गाते थे उनके कई गीत ऐसे है, तो चलनी के चारा दूल्हा का भी एक छोटा हिस्सा सुनाएगी, पिया गईले कलकत्ता का एक छोटा सा हिस्सा सुनाएगी। Thank you.
सुनते हैं और उसके बाद एक आजमगढ़ी रायता सुनते हैं। जब लगन का दिन चल रहा है तो आजमगढ़ में जो लड़के होते हैं थोड़ा ज्यादा तैयार होते हैं। लगन का दिन जैसे ही आता है वैसे ही बहुत मतलब टेलर उलर में भीड़ बढ़ जाता है, स्नो पाउडर का भी बिक्री वहां बढ़ जाती है। तो आजमगढ़ी रायता एक बड़ा मशहूर है, ए बाबू करीखा लगाई ना फिर ना ये जवानी, ये सुनेंगे। पहले चंदी का चारण सुनते हैं और इसलिए सुनते हैं कि भिखारी अमहेंद्र अपने समय में क्या कर रहे थे, हम बिहार के नायकों को याद भी कर रहे हैं इस आयोजन के जरिए। तो चलनी के चालन का एक छोटा हिस्सा सुनाएंगे, क्योंकि खाना ठंडा होने का खतरा बढ़ रहा है। फरमाइश आई है तो पूरा होना चाहिए। और सुशील जी की एक फरमाइश है कि गंगा का एक गीत जो है गंगा माई के ऊंचे नदियां तो जरूर सुनाए। तो इसके बाद पहले तो आप सुनाए चलनी के चालन दुल्हा चलनी के चालन दुल्हा, चलनी के चालन दुल्हा सुख के झटकारल हो, चलनी के चालन दुल्हा सुख के झटकारल हो, दियका के लागल पर तू अरे बाजल बाजल हो, दियका के लागल पर तू अरे बाजल बाजल हो।
सुनिएगा, जब पहले शादी ब्याह हो जाए तो आजमगढ़ी रायता का एक हिस्सा सुनते हैं। आजमगढ़ में बड़ी मशहूर है, उधर आप जाएंगे तो तरह तरह के गीत गाए जाते हैं लगन के दिन आते ही। और लगन के दिन आप में से कई लोग गए होंगे तो सैलून वालों कुछ स्पेशल गीत खुल जाते हैं आजमगढ़ के इलाके में। तो आजमगढ़ी रायता का एक हिस्सा सुनते हैं। आंख जैसा आंख नहीं है काजल का दिल करता है, ये बाबू खरीफा लगाएगा फिर ना ही है जवानी। कि आंख जैसा आंख नहीं है अरे काजल का दिल करता है, कि आंख जैसा Oh,
बड़ी रायता था। अब हम लोग आखिरी चरण में हैं। एक गंगा गीत सुनते हैं पहले, वो गीत लंबा है, चंदन का हिंदोपन होता सुनाए। गंगा माई के ऊंचे ररिया, ये लगभग आप हर अवसर पे बिहार के तो किसी हिस्से में, उत्तर प्रदेश के किसी हिस्से में जाएंगे और लगभग सभी भाषाओं में, मैथिली मगही भोजपुरी सभी भाषाओं में यह गीत गाया जाता है। इस गीत को इसलिए सुनिए कि हमारे यहाँ जो लोक में ईश्वर रहे हैं ना, तो उनसे संवाद की परंपरा रही है हमारी, बहुत आराध्य इस तरीके से मान करके और पूजे जा रहे हैं ऐसा नहीं रहा है। लोकगीतों में ईश्वर जो है वो बड़ा बराबरी का मामला होता है, बातचीत होता है ईश्वर से उसमें, उसमें ऐसा नहीं कि एक तरफा हम खाली फूल चढ़ाए जा रहे हैं। और ये गीत जो है बहुत पारंपरिक गीत है, गंगा माई के ऊंचे ररिया कि भैया एक रोएगी हो, चंदन गा रही है, उसके बाद हम लोग बटोहिया सुनेंगे। पहले आप गंगा मई के
आखिरी गीत सुने उसके पहले एक बिरहा भी सुनेंगे, छोटा सा हिस्सा। फरमाइश तो बहुत सारे गीतों की है, बालेश्वर यादव का बिरहा सुनेंगे एक छोटा सा। अंगनैया में नेबुआ अनार मांगेला, बगिया में भवरा बिहार मांगेला, अंगनैया में नेबुआ अनार में आम मांगेला, उसका छोटा सा हिस्सा सुनेंगे। उसके बाद बटोहिया सुनेंगे। एक फरमाइश आई थी कि पटना में है तो बगही गीते जरूर सुनाए। चंदन मगही गीतों पे अभी सुनाएगी, मगही गीतों पे काम कर रही है। मूलतः 4-5 तरीके के गीतों पे, गंगा गीतों पे इनका लंबा काम है और नदी गीतों पे 15-20 गीत इन्होंने गाए हैं अलग से। बेटी का जो विवाह का गीत है या विवाह के गीतों पर इनका एक बेटी चिरैया के समान है, अलग अलग मतलब महेंद्र मिश्र। तो अभी एक सुनाएगी मगही गीत, आप बचपन से सुने होंगे, मगा के इलाके में चंदन उसे गाती है, चंदा मामा आ रे आवा, चंदा मामा आ रे आवा, नदिया किनारे तू बुलावा हला बाबूजी। इसको सुनते हैं, उसके बाद एक पीरा और उसके बाद हम लोग पटोहिया सुने। सरद दुबे की श्रद्धांजलि भी हो गई। गीत से समापन करेंगे। करीब 24 साल पहले बाबू रघुवीर नारायण का लिखा हुआ गीत, पूरे भारत के बारे में उन्होंने गीत लिखा था। भारत का जो पूरा सौंदर्य है विदेशिया धुनों से गाया जाता है। छपरा की धरती ने 3 बड़े नाम दिए लोक संस्कृति में, एक बहुत छोटे से हिस्सा ने मिश्रौलिया के महेंद्र मिश्र, कुतुबपुर दियर के भिखारी ठाकुर और नया गांव के बाबू रघुवीर नारायण।
ये पूरे बिहार के पूरे देश में पहचान रखते हैं। एक छोटा हिस्सा है, आप समझिए छपरा की धरती जो दियर का इलाका है कितना फर्टाइल रहा है इस मामले में। बाबू रघुवीर नारायण के बटोहिया गीत से कार्यक्रम का समापन होगा। एक बिरहा का एक छोटा सा टुकड़ा, उसके बाद बिरहा का एक छोटा सा टुकड़ा, उसके बाद बटोहिया से समापन। अंतिम गीत